तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी के नोट सीरीज पर आने वाले नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 11 के बारे में, जो कि एक 5G डिवाइस के साथ साथ एक अच्छा तगड़ा प्रोसेसर और एक अच्छा तगड़ा बैटरी भी देने वाला है। तो दोस्तों आपको भी जानना इस फोन के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा, तो बने रहे हमारे साथ। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है स्वप्निल जाधव एंड यू वॉचिंग फाइट टॉक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक, जो आने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ। और इसके साथ ही साथ इस फोन में हमको दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ उसके फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस पंचोल वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए पंचोल सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके रियर साइड के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा, यानी कि इस फोन के रियर साइड में आपको मिलने वाला है 4 कैमरास का इंप्लीमेंट, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का फोर्थ सेंसर भी देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में हमको बहुत ही अच्छा तगड़ा प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि होने वाला है कॉलकम की तरफ से आने वाला कॉलकम स्नैपड्रैगन 865 जैसा तगड़ा प्रोसेसर, जो कि स्पेशली गेमिंग फोन में यूज किया जाता है। और इसके साथ ही अगर हमें बात करता है उसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पंचोल सेल्फी कैमरा, जिसका सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का, जो कि आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छी सेल्फी खींचने के लिए हेल्प करने वाला है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ उसके रैम वेरियंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 2 रैम वेरियंट, 8GB के साथ 256GB रोम और 10GB के साथ 512GB रोम भी देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का बैटरी, जो कि 50W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आने वाला है, जो कि आपके फ़ोन को 0 से 100 तक सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट 3.5mm एडियो जैक और इसके साथ ही दोस्तों NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 8-250 CG वाला वेरिएंट आपको लगभग मिल सकता है 20 से 25 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 हज़ार की प्राइसिंग में मिल जाता है कॉलकम स्नैपड्रैगन 865 जैसा तगड़ा प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 6000mAh का बैटरी भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमराज का, प्रोसेसर का और उसके साथ ही साथ बैटरी का भी परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट मिलने वाला है। अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर, एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन और उसके साथ ही साथ एक अच्छा बैटरी का फ़ोन चाहिए, तो शायद ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फ़ोन सेप्टेम्बर महीने में लॉन्च होगा। तो दोस्तों यही था सैमसंग गैलेक्सी नोट 11 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।